हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इजी विद मी सो वी वर डूइंग इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमन मफे सो वी आर डन विद फर्स्ट नाइनटीन यूनिट्स लास्ट यूनिट वाज प्रेजेंट टेंसेस फॉर द फ्यूचर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस को कैसे हम फ्यूचर के लिए यूज़ करें ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूनिट था कि कैसे आप आई एम डूइंग और आई डू इसका प्रेजेंट फ्यूचर में मीनिंग जैसे आप जैसे मैं आपको बोलूँ कि आई एम प्लेइंग ठीक है तो इसका तो मतलब लिखेगा कि मैं खेल रही हूँ लेकिन जब हमने ये देखा कि कैसे आप उसको फ्यूचर के लिए यूज़ करेंगे कैसे आप सेंटेंस तो प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं लेकिन उसका मतलब जो है वो फ्यूचर में निकलता है सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट सो इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन विजिट टू आवर प्ले एंड सिंपली यू कैन गो टू यूनिट नाइनटीन ऑफ दिस बुक डैट इज रेम सो आवर टूडेज टॉपिक इज़ आई एम गोइंग टू डू और आई एम गोइंग टू डू समथिंग जैसे भी आप बोलेंगे ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट आई एम गोइंग टू डू समथिंग इसका क्या मतलब है आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट आई इंटेंडेड टू डू इट मतलब मैं कुछ करने जा रही हूँ कुछ करने जा मतलब कुछ करूँगी आपने डिसाइड कर लिया है ठीक है सो आई यू गोइंग टू ईट एनी थिंग नो आई एम नॉट क्या तुम कुछ खाओगे आई यू गोइंग टू इट एनी थिंग नो नो आई एम नॉट हंग्री मुझे भूख नहीं है सो so मैं नहीं कुछ खा रहा आई हेयर सारा हैज़ वोन सम मनी वट इज़ शी गोइंग टू डू विद इट मैं मैंने सुना है कि सारा ने पैसे जीते हैं मनी प्राइज मनी अमाउंट मिला है उसे सो so वो उन पैसों के साथ क्या करेगी वॉट इज शी गोइंग टू डू विद इट ठीक है इज़ गोइंग टू डू डिसाइड है ना कि क्या उसने डिसाइड किया है वो क्या करने जा रही है शी शी इज़ गोइंग टू बाई अ न्यू कार वो एक नई कार खरीदेगी इसके साथ ठीक है पैसों के साथ इज़ गोइंग टू ठीक है इज गोइंग टू मतलब डिसाइडेड है नेक्स्ट इज आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्विक फ़ोन कॉल कैन यू वेट फॉर मी मैं बस फटाफट एक फ़ोन कॉल करके आई क्या तुम तो मेरे लिए वेट करोगी सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ क्विक फ़ोन कॉल कैन यू वेट फॉर मी दिस चीज़ स्मेल्स हॉर्बल आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट इस चीज़ की स्मेल बड़ी गंदी सी है आई एम नॉट गोइंग टू इट इट मैं नहीं खाऊंगी इसे सो आई एम नॉट गोइंग टू ईट इट आपने डिसाइड के लिए कि आप नहीं खाओगे ठीक है सो नॉट गोइंग टू इट इट सो आई एम गोइंग टू या फिर आई एम जो नेगेटिव में है आई एम नॉट गोइंग टू ठीक है बड़ा सिंपल है नेक्स्ट इज आई एम डूइंग एंड आई एम गोइंग टू डू यहाँ पर आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू डू ये देखेंगे हम ओके आई यू वी यूज आई एम डूइंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज वेन यू से वी हैव अरेंज टू डू टू इट आपने अरेंज कर लिया कि आप काम कैसे कैसे करें फॉर एग्जाम्पल अरेंज टू मीट समबडी किसी को मिलना है या फिर कहीं जाना है अरेंज टू गो समवेयर ठीक है तब आप आई एम डूइंग लगाओगे जैसे वट टाइम आर यू मीटिंग एंड दिस इवनिंग एंड को आप कब मिलोगे शाम को ठीक है आई एम लिविंग टू आई हैव गॉट माई प्लेन टिकट्स मुझे अपनी प्लेन की टिकट्स मिल मिली है सो मैं कल जा रहा हूँ या जा रही हूँ आई एम लिविंग टूमोरो लेकिन यहाँ पर ये तो आ गया आई एम डूइंग लेकिन आई एम डूइंग यहाँ पर आई एम गोइंग टू डू ये कैसे आएगा आई एम गोइंग टू डू समथिंग का मतलब आई हैव डिसाइडेड टू डू इट बट पर नॉट अरेंज टू डू ठीक है आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ये काम करोगे बट अरेंज नहीं किया है यहाँ पर आपने अरेंज कर लिया है फिक्स्ड है लेकिन यहाँ पर अरेंज नहीं बस आपने डिसाइड किया सोचा है कि हाँ ऐसे करेंगे ठीक है सो आई एम गोइंग टू डू समथिंग जैसे योर शूज़ आर डर्टी तुम्हारे शूज़ बड़े गंदे है यह सही नो मुझे पता है आई एम गोइंग टू क्लीन दैम मैं इसे साफ़ कर लूंगा ठीक है आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन बट हैव नॉट अरेंज टू क्लीन दैम कियर तो नहीं है ना ऐसे कुछ पक्का तो नहीं है ना ठीक है मैं कर लूँगा आई हेव डिसाइडेड नॉट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर यहाँ पर मैं अब और नहीं रुकूंगा टू मोरू आम गोइंग टू लुक फॉर समेर टू स्टे कल मैं कुछ और रहने के लिए जगह देखने जाऊँगा सो so, आई एम गोइंग टू लुक ऐसे फिक्स्ड नहीं है ठीक है अरेंजमेंट फिक्स नहीं है इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि आपने जो बात कह रहे है वो कितनी का फिक्स्ड है कितना का आप अरेंज है कि हाँ वो होगा या नहीं होगा यहाँ पर ठीक है आपको टिकट्स मिल गई हैं सो यू आर लिविंग इट्स फिक्स्ड कि आप कल जा रहे हो लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं हाँ उसे पता है कि मेरे शूज़ गंदे हैं येस आई नो आई एम गोइंग टू क्लीन दैम मैं उसे साफ़ कर लूँगा ठीक है तो कि ये तो नहीं है ना ठीक है ये फ़र्क है ऑफ्टन द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल एंड ईदर फॉर्म इज़ पॉसिबल बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है जो कुछ खास भी डिफरेंस नहीं है हम कह सकते कि आई एम डूइंग और आई एम गोइंग टू टू के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है इसके लिए थोड़ा लिटिल बिल डिफरेंस इसके लिए आप दोनों फॉर्म्स यूज करें बहुत फॉर्म्स आर थी। पॉसिबल ठीक है चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो दोनों ही चलेंगे ओके okay? नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो से डैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन समथिंग इज गोइंग टू हैपन ये भी फ्यूचर के साथ है ठीक है सो सीरीज मै आपको क्या लगता है कि चला जा रहा है चला जा रहा है देख तो नहीं रहा है कि सामने क्या है इसे पड़ रहा है तो ये दीवार में टकरा आ जाएगा वॉक इंटू द वॉल ही विल वॉक इंटू द वॉल सो यहाँ पर क्या लिखेंगे ये हमें दिख रहा है ना कि दीवार में टकरा आ जाएगा सो इज गोइंग टू हैपन सो दिस मैन इजन लुकिंग वेर ही इज गोइंग इसे पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जा रहा है ही इज गोइंग टू वॉक इन टू द वॉल वो दीवार से टकरा जाएगा ही इज गोइंग टू वॉक इन टू द वॉल वेन वी सीज आर समथिंग इज गोइंग टू हैपन मतलब कि द सिचुएशन नाउ मेक्स दिस क्लेयर हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है कि इज गोइंग टू हैपन समथिंग इज गोइंग टू हैपन का क्या मतलब है कि कोई चीज़ होने वाली है वो हो जाएगी पक्का हो जाएगी ठीक है द मैन इज वॉकिंग टू द वॉल नाउ सो वी कैन सी दैट ही इज गोइंग टू वॉक इंटू द वॉल हमें पता चल ही रहा है कि इज गोइंग टू वॉक इंटू द वॉल ओके सो आप देखो अभी की सिचुएशन क्या है ठीक है वो चल रहा है लेकिन जाते 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 गोइंग टू हैपन क्या फ्यूचर में गोइंग टू वॉक इंटू द वॉल ठीक है वो टकरा आ जाएगा सम मोर एग्जाम्पल्स लुक एट दोज ब्लैक लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स वो काले बादलों को देखो इट्स गोइंग टू रेन मुझे लगता है बारिश हो रही है फ बारिश होगी बादल काले काले बादल हैं सो so बारिश होगी इट्स गोइंग टू रेन बारिश हो जाएगी द क्लाउड्स आर देयर नाउ अभी बादल हैं ओके सो गोइंग टू रेन मतलब जैसे मैंने आपको अभी हमने देखा कि वो कुछ चीज हो जाएगी बादल है तो बारिश हो जाएगी आई फील टेरिबल मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है इसका मतलब आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक आई एम गोइंग टू ठीक है आई एम गोइंग टू जैसे यहाँ पर भी गोइंग टू था गोइंग टू गोइंग टू अच्छा महसूस नहीं हो रहा मुझे लगता है मैं बीमार हो जाऊँगा आई एम गोइंग टू सिक आई फील टैरबल नाउ अभी आप अच्छा नहीं फील द इकोनॉमिक सिचुएशन आर बैड नाउ अभी की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है बैड है द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स जो सब कुछ हालात वो खराब हो जाएंगे द थिंग्स आर गोइंग टू गेट ओके, नेक्स्ट इज आई वाज गोइंग टू डू समथिंग मतलब आई इंटेंडेड टू डू इट बट आई डिड नॉट डू इट आई वाज गोइंग टू डू अच्छा आई एम गोइंग टू और आई एम गोइंग टू का मतलब था कि आप कोई काम करोगे लेकिन आई वाज गोइंग टू का क्या मतलब होगा I was going to का मतलब आप पहले कुछ करना चाहते थे लेकिन आप वो कर नहीं पाए ठीक है We were going to travel by train but then we decided to go by car instead पहले हम ट्रेन से जाने वाले थे लेकिन ट्रेन से नहीं गए हमने डिसाइड किया कि हम कार से जाएंगे ठीक है पीटर वॉज गोइंग टू डू द एग्जाम बट ही चेंज हिज माइंड पहले वो एग्ज़ाम देने वाला था लेकिन उसने बाद में अपना माइंड चेंज कर लिया आई वॉज जस्ट गोइंग टू क्रॉस द रोड वन somebody shouted एड स्टॉप मैं रोड क्रॉस करने वाला था लेकिन अचानक किसी ने चलाया स्टॉप रुक जाओ तो मैं रुक गया ठीक है नेक्स्ट इज यू कैन सी डैट समथिंग वॉज गोइंग टू हैपन बट डिडेंट हैपन वॉज गोइंग टू का मतलब हैपन मतलब कुछ होने वाला था लेकिन हुआ नहीं आई थॉट आई आई थॉट इट वॉज गोइंग टू इट ब मुझे लगा था कि बारिश होगी जैसे इस सिचुएशन में हमें लग रहा है ना बाो तो नहीं रही ले, लेकिन ब्लैक क्लाउड्स हैं तो हमें ऐसा लगा है कि इट्स गोइंग टू हैपन ठीक है लेकिन आई था इट वॉज गोइंग टू रेन बट इटन मुझे लगा कि बारिश होगी बट बारिश नहीं होगी सो दिस दिस इज वेरी सिंपल क्वाइट ईजी यूनिट हमने बड़े अच्छे से ये करा सिंपल से सा सारे सेंटेंस पढ़े उनके मीनिंग देखे फॉर्म्स देखे स्ट्रक्चर देखा कैसे कैसे यूज़ करेंगे सो विद दिस वी आर डन विद यूनिट नंबर ट्वेंटी आई एम गोइंग टू सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगी या तो प्लीज़ लाइक बटन को जरूर क्लिक करें और इफ़ यू आर फॉर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल दैन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय